हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समित एंड वेलकम टू एडिटेक। जैसे कि आपने टाइटल और जो थंबनेल पढ़ के समझ ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे सीक्रेट ऐप के बारे में बताऊंगा जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। इन ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एडिटेक, जहाँ पे मैं ऐसे ही एप्लीकेशन और गेम के रिव्यू हिंदी में करता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल एडिटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। जो पहला एप्लीकेशन का नाम है, उसका नाम है अमेज़ॉन अंडरग्राउंड। ये एप्लीकेशन में आपको जो प्ले स्टोर या जो एप्पल ऐप स्टोर में पेड एप्लीकेशन या गेम होते हैं, यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। जैसे आप ये ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अमेज़ॉन का जो इंडिया का वर्जन यूज़ कर रहे होगे, तो सबसे पहले उसमें लॉग आउट मार लीजिए और जो सेटिंग में जाके, इस एप्लीकेशन के सेटिंग में जाने के बाद आप जो कंट्री और लैंग्वेज है उसे US या UK का सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप जो कंट्री और जो लैंग्वेज है उसे चेंज कर लेते हैं, तो डन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अमेज़ॉन ऐप स्टोर का एक अलग से टैब मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अंडरग्राउंड ऐप के ऑप्शन में जाना होगा। जैसे ही आप अंडरग्राउंड एप्लीकेशन के टैब में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इनके जो फ्री ऐप्स और गेम्स है जो कि पेड ऐप्स होते हैं, वे आपको फ्री में मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं $4.99 का जो एप्लीकेशन है आपको 00 यानी फ्री में मिल रहे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गेम्स और बहुत सारे एप्लीकेशन फ्री में मिलेंगे। तो ये ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। दूसरे सीक्रेट ऐप का नाम है एडगार्ड। ये एप्लीकेशन का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप की मेन खासियत है कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपका फ़ोन रूटेड होना ज़रूरी नहीं। बिना रूट किया हुआ स्मार्टफोन में आप ये एप्लीकेशन ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप जब भी गेम खेलते हो, वीडियो देखते हो या कोई भी साइट पे काम करते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि अनोइंग ऐड जो है वो आपको बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू आप उन ऐड को ब्लॉक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद प्रोटेक्शन इज़ डिसेबल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोटेक्शन इज़ अनेबल पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद आपको जो भी अनोइंग ऐड आते हैं, यानी आपको जो फालतू के ऐड आते रहते हैं, वो ही आपको ब्लॉक करेगा। साथ ही यहाँ पे आपको डिटेल भी फुल डिटेल में बताएगा कि कितना बैंडविड्थ सेव हुआ है, कितने ब्लॉक को ऐड को ब्लॉक किया है, और साथ ही ये आपको थ्रेट और जो मेलवेयर्स होते हैं यानी जो भी वायरस होते हैं उसे भी ये ब्लॉक करता है। तो बहुत ही अच्छा ऐप है। साथ ही इसमें आपको प्रीमियम फीचर्स भी मिलता है, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ईजिली आप फ्री में भी आप इसे यूज़ कर सकते। जैसे आप तीन डॉट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको जनरल सेटिंग, एड ब्लॉक जैसे बहुत सारे इनके सेटिंग्स होते हैं, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप जनरल सेटिंग में जाने के बाद शो यूजफुल ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद, यानी आप कुछ ऐड को देखना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं, या फुल्ली ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं और अपना जो स्मार्टफोन में अनोइंग ऐड आते हैं उसे ब्लॉक कर सकते। अगले ऐप का नाम है OG Instagram Plus। ये एप्लीकेशन में आपको इंस्टाग्राम के सभी फीचर्स मिलते हैं, साथ ही आपको इसमें कुछ फीचर्स जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए, जिसे आप इसमें इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम के मेन फीचर में आपको फ़ोटो को जूम करने का फीचर नहीं मिलता है, तो इस एप्लीकेशन में आप कोई भी फ़ोटो को ईजिली जूम कर सकते हो, ये एक इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है। साथ ही आप कोई भी वीडियोज़ या इमेज को यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मेन इंस्टाग्राम के फीचर्स में नहीं मिलता है। तो यहाँ से आप उन इमेज को डाउनलोड कीजिए। तो ऐसे ही बहुत सारे इसमें इंटरेस्टिंग थिंग्स मिलते हैं, तो एक्स्ट्रा फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अगले ऐप का नाम है शो बॉक्स। इस ऐप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आप इंटरनेशनल लेवल के जो भी मूवीज़ होते हैं, उनके ट्रेलर होते हैं या टीवी शोज़ या न्यूज़ होते हैं, उसे आप इजीली देख सकते हो, साथ ही उन वीडियोज़ को डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको मूवीज़ का अलग टैब मिल जाता है, साथ ही टीवी का अलग टैब मिल जाता है, जहाँ से आप क्लिक करके इनके डिफरेंट टाइप्स के जो भी टीवी शोज़ है या मूवीज़ है उसे इजीली देख सकते हो। साथ ही आपको डाउनलोड करने का एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पे मूवीज़, टीवी शो, न्यूज़, ट्रेलर, फेवरेट करके अगर आप कोई भी वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो फेवरेट पे कैटेगरी पे क्लिक कर सकते हो। साथ ही आपने कौन कौन सा वीडियो डाउनलोड किया है उसका अलग से यहाँ पे एक सेक्शन मिल जाता है। साथ ही जो भी अपडेट आएगा वहाँ पे आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। ये किसी को भी अगर हॉलीवुड की मूवीज़ या
बाहर के किसी भी इंटरनेशनल टीवी शो पसंद आते हैं तो ये एप्लीकेशन के थ्रू वो इजीली देख सकता है। अगले ऐप का नाम है फाइल शेप। ये मेरा फेवरेट ऐप है क्योंकि इसमें आप कोई भी वीडियोस, म्यूजिक, इमेजेस, जिफ इमेज, बुक्स या डॉक्यूमेंट को इजीली सर्च कर सकते हो, जिसमें आपको लॉट्स ऑफ कैटेगरी में ये आपको सर्च करके बताएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जो भी मूवीज या कोई भी सॉन्ग्स, कुछ भी जो भी चीज़ आपको सर्च करना है उसका नाम टाइप कीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद सर्च के ऑप्शन पे टैप करता हूँ, वैसे ही मैं आपको ये मुझे डायरेक्ट मेरा जो भी ब्राउज़र है उसके थ्रू ये डायरेक्ट मुझे बहुत सारे लिंक ओपन करके दे देगा। तो ये मुझे ब्राउज़र में लेके जाके बहुत सारे लिंक को प्रोवाइड कर देता है, जिससे मैं इजीली उस मूवी को डाउनलोड कर सकता हूँ या उसके अल्टरनेटिव कोई भी मूवीज़ को इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छा ऐप है जहाँ से आप किसी भी चीज़ को इजीली सर्च कर सकते हो। अगले और लास्ट ऐप का नाम है अप टू डाउन। ये प्ले स्टोर की तरह ही एप्लीकेशन है और मैंने जितने भी सारे 5 एप्लीकेशन बाकी के सभी बताए थे आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर की तरह इसमें भी फीचर्स मिल जाते हैं, सर्च का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप एप्लीकेशन और गेम्स को इजीली सर्च कर सकते हो। साथ ही इसमें मेन फीचर ये मिलता है कि आपको किसी भी एप्लीकेशन का पुराना वर्जन चाहिए होगा तो यहाँ से आप इजीली उसके पुराने वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम के पुराने वर्जन को चाहता हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ ये पुराना वर्जन का एक लिस्ट दे देगा जहाँ से मैं इंस्टाग्राम के पहले के पुराने वर्जन को इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक प्रीवियस वर्जन का एक टैब मिल जाता है, जहाँ से मैं व्यू मोर करता हूँ तो मुझे और भी पुराने टाइम के वर्जन मिल जाएगा, जहाँ से अगर किसी को पुराना कोई एप्लीकेशन का वर्जन पसंद आता है तो वो यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के जो 6 सीक्रेट एप्लीकेशन को मैंने बताए थे उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है, तो मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल EDTU को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।